गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ BGMI। तो आज हम BGMI का अपडेट लेके आ चुके हैं। तो जिन जिन को अपडेट भी नहीं मिला है तो प्लीज़ एक बार रिफ्रेश करें और क्लियर डाटा कर लें, आपको अपडेट मिल जाएगा। मुझे भी नहीं मिला था लेकिन अभी मिल चुका है। तो गाइस, जो भी चैनल पे नए आए हो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा लो और लाइक्स लास्ट में कर देना वीडियो अगर पसंद आए तो। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, अपडेट की तरफ चलते हैं अपने। तो अपडेट हमको मिल गया है 335 का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे 335 का है। तो थोड़ा सा हम वीडियो को जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा इंटरनेट इतना फास्ट चल नहीं रहा, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम कट करेंगे यहाँ पे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली 70% हो गया, अब तक हम देख लेते हैं इसमें नया क्या आया है। तो नया हमको एक मैप देखने को मिल रहा है, फ्लोरा मेंस एक नया जो मैप आया है, रंगल में आपको खेलने को मिलेगा। और बाकी जो ये सेफ स्पेशल थीम आई है ये आपको रॉयल पास में मिलेगी, रॉयल पास मंथ 3 पे। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या मुझे रॉयल पास लेना चाहिए। अभी देख लेते हैं रॉयल पास में है क्या क्या, उसके बाद फिर बता देना क्या रॉयल पास मतलब इलाइट पास में लूँ या ना लूँ। तो इसमें भी आर इंट्रोड्यूसिंग टू ये कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, तो ये हम गेम में ही देख लेंगे। फटाफट अपडेट कर लेते हैं, अपडेट होने के बाद देख लेते हैं गेम में क्या क्या मिलता है और क्या क्या हमारे गेम में अभी आया है BGMI में। और कितना एक्साइटेड हो आप न्यू मैप के लिए, न्यू मैप आने वाला है, मतलब कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं फ्लोरा मेंस, कुछ मोड है, कोई नया मोड अपडेट कर मतलब ऐड कर रहे हैं BGMI वाले। तो जो जो एक्साइटेड हो प्लीज़ कमेंट में लिखना और एक बार ज़रूर बताना कि क्या हमें एलाइट पास लेना चाहिए या नहीं। और जैसा बताओगे वैसा ही, जैसा आप लोग बोलोगे हम ले लेंगे एलाइट पास, और अगर नहीं बोलोगे तो नहीं लेंगे। तो चलो गेम को कर लेते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं। तो अभी अपने स्क्रीन पे क्राफ्ट आ चुका है और स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं क्या क्या अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें और डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, जानते ही हो। और चलो खुल तो गया, ओपन तो हो गया। तो भी चेकिंग फॉर द रिसोर्स होने वाला है। और ये अपडेट आप अगर वाईफाई बोल रहा है, अगर नेटवर्क नहीं है, तो अभी मैं वाईफाई पे कनेक्टेड नहीं हूँ तो इसलिए ये अपडेट करना पड़ेगा। और आगे हाँ, ये रिसोर्स जिसने भी नहीं किया है उसको भी ये रिसोर्स करना पड़ेगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये लो वाला कर लेता हूँ क्योंकि मेरे मिड डिवाइस है, मिड भी नहीं है, लो रेंज की डिवाइस है, तो मेरे में तो यही चलने वाला है। तो वो तो हो गया क्योंकि इंटरनेट थोड़ा फास्ट चला, और बस ये हो जाए तो ये भी कंप्लीट होने ही वाला है, हो जाए। इसके बाद देखते हैं गेम क्या होता है, स्टार्ट होता है या फिर कट करना, ये कट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये पूरा होते ही इसको कट करना पड़ेगा इस। तो चलो हम फिर से गेम को मतलब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है गेम पे। तो यार जल्दी हो जा, देखने को तो मिले, सब लोग एक्साइटेड हैं। तो अभी लॉगिन करना पड़ेगा गाइस फिर से, ये लॉगिन वाली प्रोसेस, तो फटाफट हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने लॉगिन कर लिया है और देखते हैं न्यू क्या आने वाला है। तो जैसा कि गेम ओपन होने ही वाला है तो अपने को दिखेगा न्यू मोड में क्या आने वाला है, और RP भी देखेंगे कि RP में क्या क्या मिलेगा हमको। तो ये शायद न्यू मोड की थीम है, तो आप थीम देख सकते हो अभी ये जो। ओ भाई क्या बात, ऊपर से गोली गिर रहे हैं, टूटता हुआ तारा भाई, और ये तारे जो गिरे हैं ऊपर से जिससे सबकी इच्छा पूरी होती है, उसमें पबजी को पता है एकदम ग्रीनरी कर दिया, एकदम ग्रीन कर दिया भाई। और ये बात क्या क्या ऑसम दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट बताना आपको कैसा लग रहा है ये न्यू थीम। और भाई हर जगह ग्रीनरी कर दी है भाई थीम ने। तो ये हमको मिल चुका है न्यू मतलब थीम मिली है, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। और ये इतना ख़ास तो मेरे को नहीं लग रहा, बट ऐसा लग रहा है कुछ मतलब कोई स्पेस उड़ रहा है ऊपर को। तो चलिए देख लेते हैं मैप। तो ये आया है फ्लोरा मेंस मैप, इरेंगल में आपको देखने को मिलेगा, मे बी लिविक, और ये भी अपडेट हो रहा है। और न्यू दो मोड मिले हैं, BSL जो भी है, BSAI है या फिर अल पता नहीं, एक ईजी है एक नॉर्मल है, तो ये आप खेल पाएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे गेम पे।
और आर्केड पे कुछ नहीं है, एरिना पे भी वही अपना पुराना है, एरिना पे कुछ न्यू आया नहीं है, तो एरिना पे आपको नहीं है, बस ये BS AI न्यू आया है, और ये फ्लोरा मेंस मैप है, और ये हम अपडेट कर लेते हैं। तो जब तक ये मतलब अपडेट होता है, कितने MB का यार, मे बी 68 का, 68 MB का फ्लोरा मेंस ये आपका अपडेट है। जब तक ये अपडेट होता है तब तक हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपना RP, तो RP पे देख लेते हैं क्या क्या हमको मिला है RP पे। अरे कट हो ना भाई, कट ही नहीं हो रहा। चलो तो RP पे स्टार्ट कर लेते हैं, ये रॉयल पास मंथ 3 का, रॉयल एलाइट पास। तो अभी हम भाई नेट अटक रहा है क्योंकि डाउनलोड पे लगा हुआ है गाइस, थोड़ा सा क्या करें। तो आप अगर फर्स्ट RP पे आओगे तो 5 आपको फ्री में यही मिल रहा है, स्टार्ट पे ही आपको 1 RP पे 5 कार्ड मिल रहे हैं। अरे क्या खुल गया ये, कट हो भाई, कट हो भाई, इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है गाइस क्योंकि अपडेट पे लगा हुआ मैप। तो ये पहले पे आपको एक सूट मिल जाएगा, और जो कि ये थीम पे बेस्ड होने वाला है। तो अभी मैंने कलेक्ट किया, लेकिन इलाइट पास पे आपको सूट मिलेगा, और 5 पे आपको ये वाला हेलमेट मिलेगा, हेलमेट नहीं हेड गियर है, ये हेलमेट तो नहीं है, ये हेड गियर है, लॉन वॉल्फ सेट के साथ ये हेलमेट मिलेगा। और ये बैग ऑसम लग रहा है यार, बैग तो मुझे बैग की स्किन सही लग रही है, बाकी मुझे स्किन ये थोड़ी बहुत पसंद आई, इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि पिछले वाले से थोड़ी बेटर है, लेकिन उतना भी ज़्यादा ऑसम नहीं है। और आपको फ्री रॉयल पास में 13 पे आपको एक सेकेंड, 13 पे आपको एक पैरासूट मिल जाएगा फ्री का। तो इस बार फ्री पे भी बंद कुछ दे रहा है भाई, स्टार्ट पे तो कुछ नहीं है, 13 पे है एक, है और एक इमोट है भाई, इस बार इमोट काम का मिला है भाई, अभी तक तो फ्री वाला बस ऐसे ही इमोट रहता था यार थोड़ा बहुत, लेकिन ये देखो इसका पूरा यार, पूरा थीम देखो इसको, काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्री में मिल रहा है तो फ्री में का तो फ्री के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये आपको मिल जाएगा 20 RP पे एक फ्रूट स्प्लैश फिनिश, जो मतलब प्लेन की है, आपको मिल जाएगी इस पे। और उसके बाद 25 RP पे फ्री रॉयल पास में आपको एक सूट मिलने वाला है, शायद लीपर्ड वाला है ये, हाँ ये लीपर्ड। अरे भाई कितना टाइम लगाएगा यार, हाँ ये लीपर्ड सूट आउटफिट है, तो ये लीपर्ड पूरी लीपर्ड के स्किन को मतलब स्किन के लेके बनाया गया है, इसलिए इसका नाम लिपट रखा गया। और ये वाला तो शायद 50 RP का जो सूट है उसी पे, शायद उसी का इमोट है ये, क्योंकि तभी तो वो निकाल पाएगा ना फ्रेंच फ्राइज या फिर। और ये ग्रेनेड है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी से बना दिया गया है इसको, ग्रेनेड को, और कुछ तो है नहीं, ये स्किन एक स्किन है भाई, ओ भाई M16 की स्किन है, और पूरा इसी थीम पे बेस्ड होने वाली है क्योंकि पूरा इसी थीम पे बेस्ड है, और लग भी रहा है ये सारा सारा सब्जी उब्जी को मिला के बनाया गया है, पूरी वेज मतलब जितनी भी है। और ये अपना रहा 50 RP का सूट्स, तो इतना ज़्यादा ये खास मुझे लग नहीं रहा, ना ही इतना ज़्यादा ये हेडगर अच्छा लग रहा, लेकिन इस पे बैक पैक कमाल का है, तो बैक पैक बस इस पे अच्छा है। तो सब लोग आप बता देना भाई ओवरऑल आपको RP कैसी लगी, और क्या मुझे लाइट पास लेना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताना कि लाइट पास मैं परचेस करूँ या ना करूँ, प्लीज़ बता देना कि एलाइट पास परचेस करूं या ना करूं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर। ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।